क्यों बुलाया हम लोगों को बताओ भैया? टीचर डे की। टीचर्स डे तो कल है बेटा, तो बुलाया किस लिए? मतलब क्या प्रिपरेशन है, क्या तैयारी करी तुम लोगों ने? क्या बात है अंजू, क्यों बुला लिया अचानक से? ये सब क्या है, तुम लोगों ने तैयार किया है? तो बात कुछ ऐसी है कि सुबह से नशा का हमारे पास कॉल आ रहा था, जो कि सेंटर 3 की इंचार्ज है, और उसने हम लोगों को एकदम से परेशान कर दिया कि कुछ इम्पोर्टेंट इमरजेंसी पड़ गई है, जिसकी वजह से हमको पूरी टीम को तुरंत पहुंचना होगा। तो अभी यहाँ पर आए हैं, तो अभी हम लोगों को बाहर रुकने के लिए बोला गया है, और हम लोग अभी सेंटर के बाहर रुके हुए हैं। पता नहीं, शायद पता नहीं क्या बता रहे हैं लोग, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और नशरा भी है, अभी हम लोगों को बाहर वेट करने को बोल रही है। हालांकि अब ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा इमरजेंसी वाला था, शायद से कुछ और ही बात है, और अभी हम लोग देखेंगे, अंदर जब जाएंगे तो पता चलेगा। कुछ अलग ही चल रहा है अभी फिलहाल, आप लोगों को दिखाने वाले हम लोग। समझ में ही नहीं आ रहा कि हम लोग को क्यों रोक दिया गया है। करने की क्या ज़रूरत थी नशरा, तुमने भी इनका साथ दिया, इसकी ज़रूरत है इन बच्चों को करने के लिए। कोविड का मामला है, तुम यार क्या चाह रही हो? लोग का बहुत मन था, बहुत कह रहे थे मुझसे कि जो है कुछ करना है भैया के लिए। सही बात है ये, क्यों बच्चा लोग क्या प्लान किया है? फिर इधर आगे आओ, सब आगे आओ, पहले सारे बच्चे आगे आओ, ऐसा डरो नहीं, आगे आओ, इतने भी बुरे नहीं हम लोग। जल्दी से आ जाओ ना, सामने आओ। क्यों, क्या तैयारी है, क्या तैयारी करी है तुम लोगों ने? ये किसने बनाया चार्ट वाल्ट? ये सब सब में से कौन कौन है, ऐसे करके बताओ सबको। क्यों बनाया है? हमारे लिए। ये क्या है बेटा, किसने बनाया है? दिवाली। क्या है ये, दिखाओ जरा। हैंड पेंटिंग। ओहो, विदाउट यू वी वुड हैव बीन लॉस्ट। थैंक यू टीचर्स फॉर गाइडिंग अस, इंस्पायरिंग अस एंड मेकिंग अस व्हाट वी आर टुडे। हैप्पी टीचर्स। अरे वाह, कितनी अच्छी बात करी, ताली बजाओ सब इसके लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये किसको दोगी, किसके लिए है? हाँ बोल के बताओ। हमारे लिए, कि हम सबके लिए। आज क्या है बेटा? टीचर डे। तो तुम लोगों ने क्यों इतना पैसा खर्च करा? आप लोग हम लोगों के लिए काम करते थे। तो अभी तो हम लोग क्लास भी नहीं दे रहे, अभी तो पढ़ा भी नहीं रहे हैं तुम लोगों को। तो क्या खाना आना तो दे जाते हैं? हाँ खाना मिलता है तुम्हें, तो तुमको खाना मिलता है तो हम लोगों को सरप्राइज मिलेगा। मतलब अब मेरी तरफ से ताली बजाओ दिव्यांशी के लिए। चॉकलेट खा लो भैया। ये सब काहे लिए किया बेटा? भैया टीचर डे, और आप हम लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं, इसीलिए हम लोग करते हैं। तो कौन, किसने किसने साथ दिया तुम्हारा? भैया रोशनी ने दिया। बुलाओ रोशनी को भी, जल्दी आओ भाग के। और संजना ने किया है। आओ संजना, बुलाओ संजना, आओ पूनम आओ। तो ये किस लिए भैया, ये सब क्या है भाई, हमें बताओ तो। मतलब किस लिए, क्या सोच करके ये किया? क्यों रोशनी? भैया आप हमें इतना अच्छा पढ़ाते हैं, तो हाँ। अरे क्या मतलब वो करते हैं ना, क्या करते हैं बताओ। चलो रोशनी बताओ, कितने बजे से तैयारी चल रही थी तुम लोग? 12 बजे से। सही बता रही, 12 बजे से? नहीं, 12 बजे, 10 बजे। ये 10 बजे बता रही, क्यों 10? वो तो बता रही, मैम आई नहीं थी 10 बजे। ये नीतू मैम क्या तैयारी कर रही थी? सबको नीतू मैम ने बुलाया था, कहा था टीचर डे है। बुलाओ नीतू मैम को, नीतू इधर आओ, जल्दी से आओ। ये सब क्या है बिटिया? भैया ये लोग बोल रहे थे कि मतलब भैया लोग तो हम लोगों के लिए इतना सब कुछ करते हैं, तो क्या हम लोग भैया के लिए एक दिन टीचर्स डे नहीं मना सकते, छोटी सी पार्टी नहीं दे सकते? तो तुम लोग को पता है भैया लोग क्या चाहते हैं? क्यों पूनम? राशि बताएगी भैया लोग क्या चाहते हैं। हाँ इधर आओ राशि, जल्दी आओ, इधर आओ, इधर आओ, बताओ क्या चाहते हैं भैया? भैया लोग क्या चाहते हैं? और तुम लोग खुश रहो, तो हंस तो रही नहीं हो है?
और क्या चाहते हैं भैया लोग? क्यों भैया लोग चाहते हैं कि हम लोग खुश रहें और तुम लोग पढ़ो लिखो, कुछ अच्छा बन जाओ जिंदगी में। तो ये सब करने की क्या जरूरत थी बिटिया? छोटा सरप्राइज हम लोगों के लिए। क्या क्या सरप्राइज में क्यों, जल्दी बताओ। अच्छा जल्दी से बेटा, केक है, बिस्किट है और वो नमकीन है। पैसा कहाँ से आया भाई तुम लोगों के पास? सब पैसा कहाँ से खर्च करवाया? नशरा तुमने खर्च कराया? नो भाई, हमने नहीं खर्च करवाया, हम खुद लेकर आए। सब खुद से प्लान किया? घर पे सब डाइट खाओगे आप? नो भैया नहीं, सब अपनी सेविंग से जुगाड़ बना के लाए हो? तो आज ज्यादा चरखी बना ली लग रहा है, तभी हम लोगों के लिए ज्यादा बना डाली ताकि पार्टी हो सके। आज छुट्टी कर ली आप लोगों के लिए। अरे बाप रे, क्या क्या है इसमें? एक पेन है, चॉकलेट है और एक फ्लावर है। अच्छा, पेन नहीं रहता हमारे पास, बच्चे बात जानते हैं। आते समय हम लोग रास्ते में पता नहीं चलता था कि क्या होने वाला है वहाँ पर, लेकिन आते ही इतना अच्छा सरप्राइज, इतना अच्छा वेलकम यहाँ पर स्वागत किया बच्चों ने। अभी ये देखिए बच्चों ने कितना अच्छे से लिख रखा है कि दे गाइड अस, दे इंस्पायर अस, दे टीच अस, टुडे इज द डे, टुडे इज द डे, डे टू थैंक देम एंड से हैप्पी टीचर्स डे। अच्छा, इतना कुछ हम लोग करते हैं, हम लोगों को खुद को नहीं पता था। इतनी सारी फीलिंग्स बच्चों की हम लोगों के सामने आज बच्चों ने अपनी फीलिंग्स रखी, तो थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत ही मजा लगा, मजा आया, अच्छा लग रहा है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बहुत दे दी बच्चों ने। क्या कहोगे तुम यार, तुम भी तो कुछ बताओ। बच्चे ऐसा करते तो हम लोग भी भावुक हो जाते कि हाँ, बच्चे हम लोग के लिए सोच रहे हैं कि हाँ भैया लोग हम लोग के लिए इतना कर रहे हैं, तो हम लोग को कहीं ना कहीं इनके अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच डेवलप हो रही है। भावुक ना हो तुम यार, हम सब संभाल लेंगे, बच्चे लोग संभाल लेंगे। तुम्हारी क्या सोच है, तुम तो इनकी टीम में शामिल थी। चाहे छोटी हो या बड़ी, वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है, मेन जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है फीलिंग जो बच्चों के दिल में है हम लोगों के लिए। अच्छा, तो नीतू ये बताओ, बच्चे इतना सब अगर कुछ कर सकते हैं हमारे लिए, तो उनके जो खुद के सपने पूरे कर लेंगे कैसे? आप लोग साथ देंगे तो सब कर लेंगे बच्चे। मतलब हमारे साथ देने से सब कुछ कर लेंगे तुम्हें लगता है? आपने मेरा साथ दिया तो हम वहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, तो फिर बच्चे भी नहीं पहुँच सकते। तो तुम बहुत बड़ी हो गई हो क्या? मतलब फिर भी जो नहीं थे वो हो गए। पूनम थे वो आई नहीं बहुत देर तक, तो हमने कहा क्या हुआ, तो कहने लगी कि मम्मी पैसे नहीं दे रही थी, तो हमने खाना नहीं खाया। कौन खाना नहीं खाया था भाई, इधर आओ पूनम। तो फिर दे दिए, इधर आओ तुम पूनम, क्या सुनने को मिल रहा है? क्या ना, पैसे से मांगने के लिए तुम उस पे धरने पे बैठ गई, क्या हुआ था बताओ? मम्मी से पैसे मांगे तो मम्मी के लिए पापा भी है नहीं, तो मैंने पैसे दिए, अभी नहीं देंगे, खाना नहीं खाओगी तो खा ली ना, पैसे मिले। अभी जो बच्चों ने जो किया हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चीज थी और बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन इन रिटर्न कल हम लोग, वैसे तो हम लोग अपने मेन इनोवेटिव किचन में ही खाना बनाते हैं, लेकिन कल हम लोग यहाँ पे खाना बनाएंगे। फाइनली ये डिसाइड हो गया है कि कल हम लोग बच्चों के लिए पाव भाजी बनाएंगे यहाँ पे, और जो भी बच्चे ये करते हैं ये हम लोगों के लिए एक चार्जअप होता है, इन्हीं सारी चीज़ों से हम लोग चार्जअप होते हैं और हम लोग कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं और ट्राई करते हैं। कुछ बोलोगे? नहीं, कल हम लोग रिटर्न गिफ्ट देने वाले हैं, कल हम लोग पकाएंगे पाव भाजी बच्चों के लिए। आप सोचें कि आप हर तरीके से बहुत धनवान हैं, आप बहुत संपन्न हैं, लेकिन अगर इन बच्चों की बात करें तो आप यहाँ पर उनसे हार जाओगे, बिकॉज इनके पास बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है और ना के बराबर है। उसमें से ये बच्चे निकाल करके हमारे लिए कर रहे हैं, तो ये हमें क्या दर्जा दे रहे हैं ये तो हम खुद बता नहीं सकते आप। और इतने कम में से भी वो जो निकाल कर दूसरों के लिए करें, वही एक सच्ची भावना है, और ये सच्चे और अच्छे मन से इन्होंने किया है। और ऐसा नहीं पता था, ये शायद लाइफ का बेस्ट डे है हम लोगों के लिए, बिकॉज हम लोग इनके लिए बहुत फील करते हैं। बुरा ये लगा कि थोड़ा बहुत पैसा इन लोगों ने खर्च किया, उसके लिए भी हम लोग अभी ऐसा कुछ करेंगे कि उसका हिसाब बनाकर जो भी पैसा है बच्चों को पैसा देंगे, जो भी 200-300 रुपए इन्होंने जोड़े बच्चों ने। और साथ ही साथ इतना भावुक हो उठे हैं कि ऐसे तो रोज़ बच्चों में खाना जाता ही है, कल यहाँ कुक करेंगे और बच्चों ने जो बोला है बस वही बनेगा कल। तो बच्चों ने पाव भाजी के लिए वोट किया, तो कल हम लोग पाव भाजी बनाएंगे। और आप लोग प्लीज़ इस ब्लॉग को तो अपने एकदम फीलिंग के साथ दिल से जुड़ करके देखने बोलने की कोशिश करिएगा, बताइएगा हम लोगों को इस सच्ची भावना की कहानी है जो आप लोगों के बीच में आएगी।